योगी का गुस्सा देख खौफ में अतीक, दूसरे एनकाउंटर के बाद क्या बोला? प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में सीएम योगी ने एक इशारा क्या किया? यूपी पुलिस ने एनकाउंटर की झड़ी लगानी शुरू कर दी। इस हत्याकांड से जुड़े एक और शूटर को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये वही शूटर है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। अतीक अहमद के इशारों पर काम करने वाले इन शूटरों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। इससे पहले पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। जानकारी ये भी है कि अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। अतीक अहमद गैंग के गुर्गों को यूपी पुलिस ने बता दिया कि यूपी में अपराधियों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब इस प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव नहीं योगी आदित्यनाथ हैं, जिसके बाद से अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है और उसने कोर्ट में खुद को जेल से बाहर ना निकालने की अपील भी की है। यूपी पुलिस ने अपने दूसरे एनकाउंटर में जिस शख्स को मार गिराया है उसका नाम विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी है, जिसने उमेश पाल के कार से उतरने के दौरान ही पहली गोली दागी थी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के कोंदियारा इलाके में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। अब इस शूटर का ही दी एंड हो चुका है। ये एनकाउंटर यहीं रुकने वाला नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े एक भी शख्स को आखिरी सांस तक यूपी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सीएम योगी ने इशारों में ये साफ कर दिया है कि अगर इनमें से एक भी शूटर बचा तो फिर यूपी पुलिस की क्लास योगी आदित्यनाथ लगाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और यूपी में उनके राज में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। आज तक के मुताबिक विजय कुमार ने कुछ साल पहले ही धर्म परिवर्तन करवाया था और उस्मान बन गया था। पहले सीसीटीवी फुटेज से उस्मान चौधरी की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए एफआईआर में उसका नाम अज्ञात के रूप में दर्ज था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जबकि जिन शूटरों की पहचान हो चुकी है उन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो गनर्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। उमेश के गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग की थी। इस दौरान उनकी और उनके गनर की गोली लगने से मौत हो गई। बदमाशों ने इस हत्याकांड को महज 44 सेकंड में अंजाम दिया और इस हत्याकांड का मुख्य आरोप अतीक अहमद पर लग रहा है, और जल्द ही योगी के एक्शन के बाद अब अतीक अहमद का भी एनकाउंटर होने की पूरी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि सीएम योगी ने सदन से यह ऐलान किया है कि यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे।